हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, नेवी एमआर के सारे शेर जवानों आ जाओ बेटा। जिन जिन ने भी फॉर्म भर दिया या भरने वाले हैं, फॉर्म की डेट आपको बता 19 से 23 है, 10th पास की भर्ती है। नेवी एमआर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए हो, फॉर्म से लेकर ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए हो, या किस बच्चे का कॉल लेटर आएगा किसका नहीं आएगा, इसके सबके वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट, उन सबकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। और अगर वो वीडियोस आपको पर्सनली चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर, और इन सारी चीज़ों की कोई एक रुपए भी फीस नहीं है कि आप सोचो कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो सर उनकी पीडीएफ के लिए या उनके वीडियोज़ के लिए कोई हमसे पैसे ट्रांसफ़र करने को कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपनी क्वेरी लिख देना। तो ये वीडियो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि जॉइनिंग जो होती है उसमें नंबर लगभग किस स्टेट के कितने रहते हैं। क्योंकि आपको पता है नेवी की जो भर्ती होती है बेटा, वो आती है स्टेट वाइज, यानी हर स्टेट की वैकेंसी अलग अलग होती है, इसलिए हर स्टेट की कट ऑफ भी अलग अलग रहती है ना। ये तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से, पीपीटी आपके सामने है, पीपीटी में आप देखते जाना, सारे आंसर आपको वहाँ मिलते रहेंगे। देखिए ध्यान से, जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों की आसाम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो उधर के जितने भी स्टेट हैं, जो सेवन सिस्टर्स जिनको कहते हैं, जैसे आप देखते हो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये तो इनकी कट ऑफ जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास ही रहती है। और जैसे त्रिपुरा है उसकी तो 11 ही रहती है। ये मैं जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, है ना। ये तो डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। और ये नंबर कितने में से, 50 में से हैं। 50 में से कैसे? अरे भाई, सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि आपके एमआर भर्ती में दो सेक्शन होते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन में आपकी क्या क्या रहती है, आपकी मैथ और साइंस रहती है, पार्ट टू में आपकी इंग्लिश और जीके रहती है, है ना। तो जिस बच्चे के भी इन 50 में से जो नंबर आ रहे हैं मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चलिए 30 मिनट का आपका पेपर होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ये सब जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अब सीधे कट ऑफ की। तो आसाम की आप देख रहे हो 20 से 25% इसमें प्रीवियस ईयर्स में रही है। बिहार की थोड़ी सी हाई है, 35.25। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 22, न्यू दिल्ली की 27.75, गुजरात 20, हरियाणा 41.25। देखिए हरियाणा का आपने देखा जो आपकी कॉल लेटर के लिए कट ऑफ थी वो भी कई बार 93 तक चली जाती है ना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट भाई बहुत अच्छा हो गया या दूसरे स्टेट की कम है, तो भाई कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें होता क्या है बच्चों की एक स्पेसिफिक भर्ती के लिए हर बच्चे का एक अलग रुझान होता है। जैसे आप कई स्टेटों में देखेंगे एसएससी में बहुत ज़्यादा बच्चे किसी से स्टेट से सिलेक्ट होते हैं, कहीं देखोगे आप रेलवे में बहुत ज़्यादा, जैसे बिहार झारखंड है वहाँ रेलवे के प्रति बहुत ज़्यादा वो है। तो ऐसे एक विशेष भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा एक पैटर्न हाई होता है किसी स्टेट में। ऐसे ही जो फोर्सेज होती हैं, है ना, जो आर्मी होती है उनकी भर्ती के लिए हरियाणा में एक अलग ही क्रेज़ है, इसलिए ये बच्चे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की वजह से यहाँ वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। आगे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं 26, झारखंड 20.25, कर्नाटक 20.25। अब जैसे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि बिहार है, बिहार और झारखंड बिल्कुल पास पास में है, लेकिन बिहार की 35 गई है जबकि झारखंड की 25 ही गई है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मणिपुर की बात करें तो 20.50, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि उधर की जो सेवन सिस्टर्स हैं आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 20 के आसपास ही कट ऑफ रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। चलिए उड़ीसा की 28, पंजाब की 21.75, राजस्थान की 35, तेलंगाना की आपकी 20, त्रिपुरा की 11, यूपी 33.75, उत्तराखंड की बात करें तो 29.26, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 25.75 और महाराष्ट्र की बात करें तो 30.05%। तो आपने एक चीज़ बात करी कि ये देखो 50 में से नंबर है, लेकिन नंबर आप देख रहे हो 25-26 के आसपास ही घूम रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसान काम है बेटा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी क्लियर है और आपने सही समय से तैयारी स्टार्ट कर दी और सही व्यक्ति का आप गाइडेंस ले रहे हो तो इस वैकेंसी में एक भी रीज़न नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। इसमें मैं आपको बता दूं जो मैथ साइंस वाला पेपर होगा वो बहुत क्रूशियल है। उस 25 में से अगर आप मान लो 20 नंबर ले आए
तो समझ लो हो गया काम, क्योंकि बाकी जीके और इंग्लिश वाला पेपर जो होता है, देखिए उसमें डेविएशन हो सकता है, क्योंकि जीके आपको पता है कभी बहुत ही हार्ड आ जाती है, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मैथ और साइंस का सिलेबस फिक्स होता है। इसमें ये नहीं है कि मैथ में जैसे आपको डिकोडिंग कोडिंग की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप 100% एग्ज़ाम में करके ही आओगे, उसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूट जाए। तो मेरा यहाँ से यही है कि इसमें मैथ और जो आपकी साइंस है उस पर फोकस कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, बस फिर आपका काम हो गया, क्लियर। और भी रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहूँगा, उसमें आपकी जैसे जैसे वैकेंसी आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो भी अपडेट होगी, जो भी प्रैक्टिस पेपर होंगे, पहले क्वेश्चन क्या पूछे गए, सबकी अपडेट A to Z बेटा मैं देता रहूँगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, कोई भी क्वेरी हो आप सीधे चैनल पर लिखें, आपको अगले वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप मैंने आप सभी बच्चों के क्वेरीज़ का आंसर दे दिया है, और भी कोई बात हो तो बेटा मुझे ज़रूर बताएं। तो सभी बच्चों लग जाओ बेटा तैयारी पे, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, तैयारी कैसी करनी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।